फ्री डोमेन गूगल एडसेंस अप्रूवल, क्या आप भी फ्री डोमेन के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक ऐसी वेबसाइट का रिव्यू जो बिल्कुल न्यू ब्लॉग है। ठीक है, न्यू ब्लॉग है, इसके ऊपर .blogspot.com वाला डोमेन है, फ्री का डोमेन, और गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। और टेम्पलेट भी इसके ऊपर ऐसा है जो, यानी प्रीमियम लेवल का टेम्पलेट नहीं है, एक ऐसा टेम्पलेट है जो रीडायरेक्ट करता है दूसरी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि पॉलिसी वायोलेशन करने वाला टेम्पलेट है, उस पर भी एडसेंस का अप्रूवल मिला है। और कितने आर्टिकल है, 13 आर्टिकल्स के ऊपर ही गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है। तो चलो पूरा रिव्यू करते हैं इस ब्लॉग का, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग पे कितने आर्टिकल है, यानी आर्टिकल के अंदर कितने वर्ड है, किस तरह से आर्टिकल लिखा गया, इमेजेस कितनी है, पेजेस कौन कौन से बनाए गए हैं, और यहाँ पे टेम्पलेट कौन सा है, ए टू जी आपको दिखाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाकर। लेकिन उससे पहले एक ही बात कहूँगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक आ सके और उन वीडियोज़ से आप फ़ायदा उठा सके। तो यार चलो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो तो मेक श्योर कर लो बेल आइकन प्रेस कर दिया, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है सब्सक्राइब करने का, इसलिए मेक श्योर करना है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस हो जाए। तो यार सबसे पहले यहाँ पे साइड पे आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल का ईमेल दिखाई दे रहा है, ये वाला देख लो यहाँ पे। इसके बाद साइड पे आपको गूगल सर्च कंसोल का ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, सिर्फ 20 क्लिक्स के ऊपर यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला, यानी 20 क्लिक्स आए हैं गूगल सर्च के थ्रू। इसके बाद आप लोगों को साइड पे यहाँ पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपके सामने गूगल एडसेंस के अंदर ये डोमेन ऐड है, यानी फ्री का डोमेन ऐड है गूगल एडसेंस के अंदर। तो चलो पूरी वीडियो देखते हैं, पूरा रिव्यू देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके, वेबसाइट पर डेटा क्या है, कितने आर्टिकल है, कैसे लिखे हुए हैं ए टू जी। तो ये रहा यार हमारा ब्लॉग, अगर व्यू ब्लॉग पे जाके आपको दिखाए, सबसे पहले यहाँ पे डोमेन पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे .blogspot.com वाला डोमेन है। इससे पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें फ्री डोमेन था, .blogspot.com वाला डोमेन था, उस पर अप्रूवल था, दूसरी इसलिए बना के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए फ्री डोमेन पे अप्रूवल मिलता है। एड्स पे गूगल आ रहे हो, यहाँ पे नीचे भी देखो एड्स पे गूगल, साइड पे भी देखो एड्स पे गूगल, यानी कि गूगल एडसेंस के एड्स आ रहे हैं। यहाँ पे टेम्पलेट कौन सा लगा है ए टू जी आपको बताने लगा हूँ, वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। यहाँ पे आर्टिकल कितने पोस्ट हुए हैं, कितने यहाँ पे वर्ड का एक आर्टिकल है ए टू जी आपको दिखाने लगा हूँ। देखो यहाँ पे फुटर के अंदर भी आपके सामने ऐड आ रहे हैं और यहाँ पे साइड पे भी आपको ऐड ही देखने को मिल रहा है, देख लो यहाँ भी, ठीक है, ऊपर भी टॉप पे भी आपको ऐड आ रहा है। तो यहाँ पे पूरा रिव्यू करते हैं, चलो वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर हम ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे आते हैं, यहाँ पे आके आपको दिखाए कितने आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट है, तो यहाँ पे देख लो ऑल आर्टिकल यहाँ पे 13 है, यानी कि 13 आर्टिकल्स पे यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है। उसके बाद बात करें फर्स्ट आर्टिकल कब लिखा था, June 19 को यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल लिखा गया था जिस पर 280 व्यूज थे। और उसके बाद यहाँ पे जो अभी का लास्ट आर्टिकल है, यहाँ पे September 28 का आर्टिकल है, यानी कि अब जो काम दोबारा हुआ है यहाँ पे देख लो आपके सामने पूरे का पूरा, यानी 13 आर्टिकल्स पे यहाँ पे अप्रूवल मिला है। स्टैट के अंदर जाके यहाँ पे ट्रैफिक आपको दिखा दिया जाए, टुडे का ट्रैफिक यहाँ पे 21 है, यस्टरडे 18 आया था, इस मंथ में अभी दो दिन हुए हैं, तीसरा दिन चल रहा है, 47 का ट्रैफिक है टोटल इस मंथ का, लास्ट मंथ यानी 1241 का ट्रैफिक, इतने कम ट्रैफिक पे टोटल इस पे देख लो 2355 का ट्रैफिक है, यानी 2K ट्रैफिक पे यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है, यानी कि ट्रैफिक मैटर नहीं करता आपके सामने। आपको लग रहा होगा ट्रैफिक मैटर नहीं करता, यार ट्रैफिक मैटर करता है, अगर वो गूगल से आया, चाहे 20 का ट्रैफिक आए, 20 पेज व्यूज आए, चाहे 50 आए, चाहे 100 या फिर 2000 का ट्रैफिक आए, पेज व्यूज आने चाहिए आपके गूगल से। जितना ज़्यादा ट्रैफिक आपको गूगल से मिलेगा, चाहे कम है, कम ट्रैफिक भी आपका 100% में से 60-70% जो है गूगल की सर्च से आएगा, तो आपको 101% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ पे जाके आपको ट्रैफिक दिखा दे, तो यहाँ पे ज़्यादा जो ट्रैफिक आया गूगल के थ्रू आया, देन बिंग के थ्रू आया, फिर इंस्टाग्राम वगैरह से आया, लेकिन जो ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे गूगल के थ्रू ही आए, तो यही वजह है यहाँ पे अप्रूवल मिला है। उसके बाद अगर टेम्पलेट की बात करें तो ये 16 SEO टेम्पलेट है जिसपे एडसेंस का अप्रूवल मिला है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात कर ले जाके सेटिंग्स की, तो सेटिंग क्या यहाँ पे हुई है, यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल है, देन यहाँ पे देख लो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है 150 वर्ड की। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख लो आके, अगर आपको दिखा दिया जाए यहाँ पे कोई भी कस्टम डोमेन ऐड नहीं है, ठीक है, कस्टम डोमेन ऐड नहीं है, फ्री .blogspot.com वाला डोमेन है उस पर ही अप्रूवल मिला है। HTTPS को यहाँ पे रीडायरेक्ट किया हुआ है, देन यहाँ पे नीचे करके आपको दिखा दिया जाए, सेम सेटिंग है जो मैं अपने ब्लॉग की आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि यही सेटिंग वहाँ से देख के हुई है। यहाँ पे एनेबल मेटा टैग है, ठीक है, सर्च डिस्क्रिप्शन भी एनेबल है, वही 150 वर्ड की डिस्क्रिप्शन जो ऊपर आपको टॉप पे मिली थी।
उसके बाद एनेबल कस्टम एड्स टू टीएसटी, उसके बाद एडसेंस का कोड है अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पे लगाते हैं ताकि आपको एरर ना मिले, अर्निंग्स एट रिस्क वाला एडसेंस पे एरर ना मिले। अब बात कर ले किसी भी एक ब्लॉग को यहाँ पे ओपन करके कि यहाँ पे आर्टिकल में कितने वर्ड का आर्टिकल है, क्या है, कितनी इमेजेस है। यहाँ पे आर्टिकल को ओपन करके आपको दिखा दिया जाए, फर्स्ट यहाँ पे आपको इसका टाइटल देखने को मिलता है, देन एक इमेज आ जाती है फीचर इमेज जिसे आप कहते हो, फिर एक पैराग्राफ आता है, देन सब हैडिंग, सब हैडिंग पैराग्राफ, उसके बाद यहाँ पे ऐड आ जाता है एडसेंस का, देन ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर से सब हैडिंग, फिर पैराग्राफ, सब हैडिंग पैराग्राफ, सब हैडिंग पिक्चर पैराग्राफ, पिक्चर पैराग्राफ, सब हैडिंग पिक्चर पैराग्राफ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सब हैडिंग यूज़ हुई है, फिर पैराग्राफ, फिर इमेजेस भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुई है। इस तरह से आपको प्रॉब्लम मिलता है। ऐसा नहीं है आपने इमेजेस गूगल से लेके लगा दी, गूगल से ले भी रहे हो तो उनको थोड़ा बहुत एडिट कर लो किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके कलर ग्रेड कर दो, थोड़ा बहुत टेक्स्ट ऐड कर दो, तो आपको अप्रूवल 101% मिल जाएगा। यहाँ पे फुटर के अंदर आके दिखा दिया जाए, फुटर में भी आपको ऐड देखने को मिल रहा है, देख लो एड्स पे गूगल आ गए, यहाँ पे फीचर इमेज आ गई, यहाँ पे ब्लॉगर थीम डेवलपर है, यहाँ पे देख लो डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लॉगर थीम डेवलपर और सोरा टेम्पलेट्स है, ठीक है, सोरा टेम्पलेट का थीम है यहाँ पे, ये रीडेक्ट भी कर रहा है लेकिन फिर भी इस पे एडसेंस का प्रॉब्लम मिला, देखो रीडेक्ट कर रहा है सोरा टेम्पलेट के ऊपर, टेम्पलेट्स वाली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, यानी कि जिनका ये टेम्पलेट है वहाँ रीडेक्ट कर रहा है, फिर भी अप्रूवल मिला हुआ है ऐसे टेम्पलेट के ऊपर भी। तो यहाँ पे देख लो 1000 वर्ड से ज़्यादा का ये लंबा आर्टिकल है, आपने भी 1000 वर्ड से ज़्यादा का आर्टिकल लिखना है तभी इतने कम आर्टिकल पे अप्रूवल मिलता है। और यहाँ पे फैशन और हेल्थ ये दो ही कैटेगरीज है, इससे ज़्यादा कैटेगरीज यहाँ पे नहीं है। पेजेस की बात करें तो यहाँ पे देख लो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ये 4 पेजेज है अगर पेजेस के अंदर जाके भी आपको दिखा दिया जाए। ये 4 पेजेस यहाँ पे बनाया हुआ है, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको पेजेस बनाने नहीं आते मेरे चैनल पे जाना, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना है, आर पे प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पे आके सर्च करना है क्रिएट पेजेस, सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको पेजेस देखने को मिल जाएगा, पेजेस कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो, तो यहाँ से देख के आप पेजेस बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 2 सोशल लिंक ऐड किए गए हैं, फेसबुक का और पिंटरेस्ट का, आप करना चाहो कर लो, अदरवाइज कोई इशू वाली बात नहीं है, ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कर लोगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। फुटर में भी यहाँ पे पेजेस ऐड किए गए हैं। आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप भी अपनी वेबसाइट का रिव्यू करवाना चाह रहे हो तो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, जाके मैसेज करो, आपका भाई आपकी साइट का भी रिव्यू करेगा। ऐसा नहीं है कि डेली 100 बंदा मैसेज करो और 100 को ही रिप्लाई करना पॉसिबल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। अगर सपोज यार यहाँ पे 100 बंदा मैसेज कर रहा है तो 5 to 10% को यहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाएगा और उनकी साइट का रिव्यू भी कर दिया जाएगा। अब देखते हैं आप उन 5 to 10% में आते हो कि नहीं। तो चलो यार इस वीडियो को भी लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियोज़ लेके आने के लिए। इसके अलावा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे फॉलो भी कर देना।